हे गाइस, सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सोनेट नंबर सिक्सटी सेवन लाइक एज अ हंट्समैन जिसे लिखा है एडमंड स्पेंसर ने तो कि जैसे कि आपको पता है कि एडमंड स्पेंसर का ये जो सोनेट है ये उनके एक वर्क एमरोटी में पब्लिश हुआ था क्योंकि एमरोटी क्या है वो एक सीक्वेंस ऑफ सोनेट है जिसमें एटी नाइन सोनेट्स हैं तो इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखते हैं कि जो एक लवर को एक हंट्स मैन के तरीके से पोर्ट्रेट करना उसके सिंबल में पोर्ट्रेट करना या फिर मेटाफोरिकल तरीके से पोर्ट्रेट करना ये जब एलिजाबेथन टाइम था तब बहुत ही ज्यादा फेमस था ये इस तरीके से किसी राइटर को और पोइट को या फिर लवर को हंट्स मैन के तरीके से दिखाना और जो पेट्रार्च थे इटालियन पोइट जो थे ये उनका एक फेमस कंसीट था और यही कंसीट इन्होंने भी अपने में यूज किया है इन्होंने भी लवर को हंट्स मैन की तरीके से दिखाया है तो लेकिन बस ये पेटराज इस तरीके से अलग है कि पेट्राज के जितने भी सोनेट होते थे वो एंड होते थे अनफुलफिलमेंट में लेकिन जो स्पेंसर का ये सोनेट है ये एंड होता है एक सक्सेसफुल तरीके से जहां पर इन्हें इनकी बिलावट मिल जाती है तो स्टार्ट करते हैं एज लाइक अ मैन आफ्टर वेरी चेज मतलब कि एक हंट्समैन की तरीके से एक शिकारी जैसा होता है उस तरीके से आफ्टर वेरी चेज बहुत दिनों से ये अपनी अपने प्री को मतलब कि जो इनका शिकार है डियर है उसे चेस कर रहे थे यहाँ पर कंपेयर किया है लवर को हंट्स मैन से शिकारी से और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो ट्राई कर रहा है ट्राइंग टू कैच वो अपने प्री को अपनी बिलवट को और यहाँ पर डियर की बात करी गई है वो डियर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है उसे चेज कर रहा है और बहुत लंबे समय से नेक्स्ट लाइन है सेंग द गेम फ्रॉम हिम escaped अवे यहाँ पर जो गेम की बात हुई है ये गेम है जो ये huntsman huntsman जो है ये खेल रहा था जो ये अपने प्री को अपने डियर को चेस कर रहा था पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो एक गेम की तरह था लेकिन अब उसे कैसा लगता है उसे ये दिख रहा है कि जो ये इसका गेम है इसमें से जो इसका शिकारी शिकार है जो इसका डियर है वो चला गया है और अगर हम मेटाफॉरिकल तरीके से बात करें क्योंकि यहाँ पर हंड्स लवर है और जो डियर है वो उनकी बिलविड है मतलब कि यहाँ पर स्पेंसर की बात हो रही है और बात हो रही है बिलविड के तौर पर एलिजाबेथ बॉयल की जो कि उनकी बिलविड थी जिन्हें वो पसंद करते थे तो ये कहते हैं कि ये जो गेम था इसमें ये देख रहे हैं कि जो इनके बिलविड है जो इनका डियर है वो इनसे एस्केप हो गया है इनसे दूर चला गया है चीज करना जो उनका काम था ये बेकार हो गया है यूजलेस था और इस यूजलेस काम में फ्यूटलेस था इसमें कोई उन्हें लास्ट में कुछ मिला नहीं इतना लंबे समय से वो ये कर रहे थे और अब इससे क्या हो गया है वो एग्जॉस्टेड हो गए हैं थक गए हैं इसे करते करते और वो फिर भी उन्हें नहीं मिल पाई अब उनका जो मूड है वो डिजेक्टेड हो गया है वो सैड हो गए हैं अपने मूड में आगे वो कहते हैं सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम इन शेडी प्लेस अब वो क्या करते हैं जो ये हंड्स मैन है वो क्या करता है वो अपने थॉट्स के साथ अपने डिज़ायर्स के साथ जो उसने स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी बिलावट को पकड़ने के लिए या फिर उस डियर को पकड़ने के लिए वो सारी स्ट्रेटजीज के साथ ही वहाँ पर बैठ जाते हैं क्योंकि वो थक गए हैं ना सिट्स डाउन टू रेस्ट हिम अब वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं थक गए हैं कि वो एक शेडी प्लेस एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कुछ आराम करने के लिए विथ पेंटिंग हाउट्स वे ऑफ़ देअ प्रे मतलब हाउंड्स यहाँ पर बात हुई है उनके जो थाट्स थे जो उनकी डिजायरस थी उस डियर के लिए उस बिलोविट के लिए और जो उनकी स्ट्रेटेजी बनाई थी वो इन सारी चीजों के साथ बैठ जाते हैं वहाँ पर क्योंकि वो सारी चीजें वेस्ट हो गई यूजलेस निकली क्योंकि जो उनका डियर है वो चला गया और वो उसे पकड़ नहीं पाए यहाँ पर एक दो रेफरेंसेज हैं जैसे कि ये यह जो यहाँ पर जिन्होंने हाउंड्स की बात करी है हाउंड्स के तरीके से इसका जो रेफरेंस है वो मेटामोरफोसिस के साथ भी है जैसे कि जो ओविड ने लिखी थी मेटामोरफोसिस उसमें जो एक्टियन है वो एक हंटर है और जो डाइना है एक गॉडेस है वो वर्जिन की वर्जिनिटी की जो गॉडेस है डाइना जो एक्टियन है वो स्पाई करता है जासूसी करता है और डायना को नहाते वक्त उसके बाथरूम में देख लेता है और उसके बाद उसे इस चीज़ के लिए उसके इस विजन के लिए उसे देखने के लिए उसे पनिशमेंट दी जाती है और उसके पनिशमेंट के तौर पे उसे इंसान से उसे एक डियर बना दिया जाता है एक हिरन बना दिया जाता है और वो जो उसके हाउंड्स हैं उसके जो उसके खुद के काम ने उसकी जो लाइफ है उसे नष्ट कर दिया उसे ख़त्म कर दिया तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है कि यहाँ पर बिलवड और ये जो हंटर है ये भी उसी की तरीके से है अपने सारे थॉट्स और स्ट्रेटजीज के साथ अब वो थक कर बैठ गया है ये था इसका फर्स्ट फोर लाइन मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की मीनिंग कि वो उसे बहुत दिनों से चेस कर रहा है एक लॉन्ग टाइम से चेस कर रहा है लेकिन अब उसमें वो उस गेम में वो हार गया है क्योंकि जो डियर है जो उसकी बिलोड है एलिजाबेथ बॉयल है वो उसे भाव नहीं दे रही है और वो इससे उसके गेम से एस्केप हो गई हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड है और एग्जॉस्टेड है थका हुआ है और वो एक शेडी प्लेस के नीचे बैठ गया है अब वहाँ पर बैठ वो अपने डिज़ायर्स को स्ट्रेटजीज को सोच रहा है अपने प्री के बारे में प्री मतलब शिकार होता है अब नेक्स्ट क्वार्टेंड स्टार्ट होता है सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वेन एसे यहाँ पर बात हो रही है कि एक लंबे समय से सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट परस्यूट मतलब किसी को पाने की कोशिश करना तो एक लम्बे तर... एक टाइम से जो उन्हें पाने की कोशिश वो कर रहे थे वो सारा क्या हो गया वेन हो गया मतलब कि बेकार हो गया सब वेस्ट हो गया नेक्स्ट लाइन है चीज फोर्शू मतलब यहां पर बात हो रही है उन्होंने अब जो उन्होंने परसुट किया था परसूट कर रहे थे वो इतने दिनों से इतने लंबे टाइम से इन्होंने उस चीज को गिव अप कर दिया फॉरशुअ का मतलब होता है गिवन अप किसी चीज को छोड़ देना तो वो जो चेज कर रहे थे अब उन्होंने उसका क्या किया उस चेज करने के आइडिया को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो एक ग्रीडी हंट्समैन की तरीके से कर रहे हैं वो एक ग्रीडी हंट्समैन बन गए हैं कि जो अपने शिकार को अपने बिलवेट को फोर्स से पाना चाहते हैं मतलब कि तुम पावर से पाना चाहते हो इसलिए उन्होंने अपने इस थॉट को छोड़ दिया वहीं पर द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम वे अब जैसे ही इन्होंने अपना ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दिया कि वो तो एक ग्रीडी हंट्समैन की तरीके से अपने बिलाविट को पाना चाहते हैं उस डियर का शिकार करना चाहते हैं तो ये चीजें गलत हैं और जब उनके दिमाग में ये सारी चीजें आई उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया फ्यूटाइल चीज थी ये वैसे ही एक मेरेकल होता है और वो क्या होता है द जेंटल डियर रिटर्न वो सेम डियर जो वापस उससे भाग कर गया था यहाँ पर इनकी बिलावट की भी बात हो सकती है कि जो बिलाविट थी जो उनको भाव नहीं दे रही थी और उनसे दूर चली गई थी वो वापस आती है रिटर्न द सेम सेल्फ सेम वे उसी रास्ते से वो वापस आती है बिना किसी डर के वो वो जो डियर है वो वापस आता है बिना किसी डर डर के फियर के थिंकिंग द क्वेंच हर थ्रिस्ट एट द नेक्स्ट ब्रूक क्वेंच मतलब जो उनकी चाहत है और जो यहाँ पे ब्रूक होती है ब्रूक का मतलब होता है छोटी नदी तो वो जो डियर है वो क्या करने वापस आ, आ रहा होता है वो आता है अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो कहीं पास में कोई छोटी सी नदी है उसके और अगर हम बिलाविड की बात करें तो उसने ये चीज़ रियलाइज करी होगी कि उसने ये सोचा कि जो हंटर है उसने वो कैसे बैठा हुआ है और वो अब उसके लिए एक थ्रेट नहीं है फिर वो कहती है कि शायद वो डियर या फिर वो जो बिलाविड है वो सोचती होंगी कि ये इतना भी बैड सूटर नहीं है सूटर मतलब कि एक लवर तो वो सीधे उसके पास जाती है वो जो है वो सीधे लवर के पास जाती है और अगर हम डियर की बात करें तो डियर सीधे वहां पर छोटी सी नदी के पास जाता है छोटी सी जो नदी है यहाँ पर नदी का मतलब डियर की बात करें तो पानी है लेकिन अगर हम बिलाविट की बात करें तो लवर है देयर शी बिहोल्डिंग मी विद माइल्डर लुक वहां पर वो मुझे पकड़ती है वो जो डियर है वो उसके पास आता है विथ माइल्ड लुक मतलब कि बिल्कुल ही शांत उसे अब कोई डर नहीं है कोई फ्राइटनिंग नहीं है वो उसके पास आता है वो जो डियर है वो हंट्समैन के पास आता है और अगर हम बोले मेटाफोरिकल तरीके से बोले तो जो बिलाविड है वो लौट कर फिर से आती है हंट्समैन के पास लवर के पास यहाँ पर यहाँ पे जो बिलाविड का मूड है वो चेंज हो जाता है जो सडन पहले वो कैसे भाग रही होती है और लास्ट में वो जेंटल हो जाती है फॉर गिविंग और उसका लविंग है क्राइस्ट फिगर यहाँ पर क्रिस्टैनिटी की बात की गई है कि जैसे कोई, जैसे कोई हैं वो अपने को माफ कर देते हैं वैसे ही जो बिलवेट है उसने भी अपने लवर को माफ कर दिया जो डियर है उसने अपने हंट्स मैन को माफ कर दिया और वापस उसके पास आती है सोट नॉट टू फ्लाई और उससे अब भागती नहीं है डर के क्योंकि अब वो उससे डर नहीं रही है जो बिलावेड है वो उससे डर नहीं रही है जो डियर है वो उससे डरा नहीं है भागा नहीं है बट फियर बिना किसी डर के क्यों क्योंकि यहां पर जो जो डियर है उसे हंट्समैन पर ट्रस्ट है कि हाँ वो अब उसको उसका शिकार नहीं करेगा उसका हंट नहीं करेगा जो नेक्स्ट लाइन है उसमें वो कहते हैं टिल आई इन हैंड हेट हाफ टेम्बलिंग टू यहाँ पर बात हो रही है कि अब वो अपने आप ही उसके पास आया है जो डियर है और जो हंट्स मैन है वो क्या करता है आसानी से उसके गले में उसके टेम्पलिंग लुक मतलब कि जो उसका शांत लुक है उसका हाथ पकड़ता है एंड विद हर ओन गुडविल हाई फैमिली टाइट टाइट का मतलब रोप की बात हो रही है तो जो हंटर है वो उस डियर के गर्दन पे उसके गले में अपनी जो रोप है उसे डाल देता है बड़े ही प्यार से क्योंकि जो अब डियर है उसे उस पर ट्रस्ट है और अगर हम बात करें इसकी मेटाफोरिकल तरीके से जो लवर है वो अपनी के साथ जो मैरिज का एक रिलेशन होता है नॉट होता है शादी का बंधन होता है वो उसमें बंध जाते हैं बड़े ही प्यार से और अगर डियर की बात करें तो डियर ने बिना ही किसी रेसिस्टेंस के उस रोप को अपने गले में डलवा लिया अब नेक्स्ट जो कपलेट है इसका सोनेट का जो कपलेट है लास्ट की टू लाइंस उसमें है स्ट्रेंज थिंग में सेम टू सी अस सो वाइल्ड जो हंटर है जो हंट्समैन है वो कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज थी मेरे को देखने के लिए मेरी लाइफ में क्या बीस्ट सो वाइल्ड कि जो बीस्ट होते हैं जो जानवर होते हैं इतने जो वाइल्ड जानवर होते हैं जैसे कि डियर भी किसी के आने से भागता है वो इतना माइल्ड कैसे हो सकता है जो बिलवेड है उसकी गुडविल थी ये जिसकी वजह से वो इतनी माइल्ड थी कोई भी जो वाइल्ड जानवर है इतना काम और इतना टेम नहीं हो सकता वो कहता है ये सब चीजें देख के मैं बहुत ही स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ सो गुडली वाइन विद हर ओन विल बिविल्ड यहाँ पर इसके जो विल है यहाँ पर ये यह वाइल्ड क्यों है वो उसे पाने में सक्सेसफुल क्यों हुआ जो उसने उसके गले में जो नॉट डाली है वो उसमें सक्सेसफुल क्यों हुआ बिकॉज़ ऑफ लाइन में से बोला है हर ऑन विल उसकी खुद की वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब बिलवड है वो उस पर ट्रस्ट करती है ट्रस्ट करती है कि वो उतना बैड शूटर नहीं है और उसकी ट्रस्ट की वजह से वो उस चीज में सक्सेसफुल हुआ जो डियर है वो देखता है कि हंटर अब उतना भी उसके लिए डेंजरस नहीं है तभी जो हंट्समैन है वो डियर के गले में रोप डालने में सक्सेसफुल हुआ ये थी सोनेट की समरी और एनालाइज अब हम इसके बारे में इसकी कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या, क्या यूज हुआ है वो तो ये जो सोनेट नंबर सिक्सटी सेवन है ये कुछ कुछ सिमिलर है एक और सोनेट लिखा गया था थॉमस व्योट ने हुसो लिस्ट टू हंट लेकिन वो जो हंट जो सोनेट है वो एंड होता है जो लवर जो डियर है बिलविड उसकी लाइन से डो नॉट टच मी मतलब कि वो एंड हुआ अनफुलफिलमेंट की वजह से कि लास्ट में भी जो डियर है वो हंट्समैन के पास नहीं आता है लेकिन जो जो स्पेंसर का सोनेट है ये एंड होता है किससे? एक नॉट से नॉट ऑफ मैरिज से कि हाँ उसने उसे पा लिया है वो भी उसकी ऑन विल गुडविल की वजह से इसमें उसने कोई फोर्स यूज़ नहीं करी है अगली बात आती है तासो तासो भी एक इटालियन पोइट थे इनका इन्फ्लुएंस इसमें देखा जा सकता है क्योंकि तासो ने ही ये जो हंटर का सिमिली यूज हुआ है इसे स्टार्ट किया था और इनका एक वर्क है इनकी एक पोएम है क्वेस्ट ऑफ जेंटिल जो कि इसी के तरीके से है ऐसी ही सिमिलर है आगे बात होती है टेक्निक की तो जैसे कि स्पेंसरियन सोनेट है तो स्पेंसर की जो सीक्वेंस है राइम स्कीम है वही चलेगी ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी ई ई मतलब कि थ्री क्वाड्रेंट क्वार्ट्रे, और लास्ट में कपलेट और जो फोर्थ लाइन है वो फिफ्थ लाइन की राइम से मैच करेगी और जो एट्थ लाइन है वो नाइन्थ लाइन की राइम एक साथ होंगी इनकी आई रियली होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब